हेलो फ्रेंड्स, एमपीपी विंग में आपका स्वागत है। आज आपको बच्चों का बूट बनाने का तरीका सिखा देती हूँ आपको। ये इसके लिए इसमें मैंने 50 फंदे लिए हैं। 50 फंदे को आपने 50 फंदे को आप इस तरह से बुनते जाओ, और ये जो आपके बीच के हैं, बीच में आएंगे तो दोनों साइड से आपके ये बढ़ते जाएंगे। इस तरह से आपके ये बढ़ा दिया आपने, इस तरह से दोनों साइड बीच से, साइड से बीच से नहीं सॉरी, ये इस तरह से 50 फंदे लिए मैंने। दोनों साइड से 5-5 फंदे आपको, 10 लाइन में 5-5 फंदे बढ़ जाएंगे। ठीक, 5 फंदे बढ़ा दिया। अब आप आगे की ओर से, यानी कि आगे बाद में होगा, पहले आप ये दोनों को बराबर बराबर करके बीच से, बीच में आप 3 का 1 3 का 1 यहाँ करते जाओगे। 3 का 1 3 का 1 करना है आपको 20 लाइन, यानी कि 3 का 1 सीधी में 10 फंदे आपको घटा देने हैं। 10 फंदे 20 फंदे आपने यहाँ 50 लिया, 50 से इसे 60 किया, 60 से आप इसको घटाते घटाते 40 कर देंगे। ठीक, 40 करने के बाद आपको ऊपर का ये बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर ये मैंने कम बनाया है आपको, मैं बता दूँ, आप चाहो तो आप ज़्यादा भी बूट का बना सकते हो। और बीच में आपने इस तरह से फीता लगाने के लिए, जैसे जाली बनाते हो आगे फंदे करके 2 का 1 करके, उस तरह से बनाना ऐसे, और बना करके उसका ये आप उतार देना। उतारने के बाद सबको इस तरह से सिल लेना है। इसमें फीता बना के लगा कर, पम पम बना कर आप लगा दीजिए, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये 50 फंदे की बूट आप साल भर से 3-4 साल तक के बच्चे को पहना सकते हो। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा बूट लगेगा। कोई बहुत कठिन नहीं है, आसान सा है। इस तरह से बूट बनाने हैं दोस्तों। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। मेरे चैनल को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।